मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। मन हमारा जो है ना, ये खास तरह की वस्तुओं से या हार्मोन से या एंजाइम से संचालित है। मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना, हालांकि वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लैंड के बारे में है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, इसमें से बहुत सारा रस निकलता है, जिनको हम हार्मोन्स कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ये संतुष्टि के लिए सबसे आवश्यक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। तो भोजन अगर आपको तृप्त करता है, भोजन में एक तो पेट भरना है और एक तृप्त होना, तृप्त करेगा तो पीनियल ग्लैंड आपकी सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को, नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं। और जो भोजन से तृप्ति नहीं है तो गड़बड़ होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे। अगर आप तृप्त भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक क्लेश होगा और रोग होंगे। मानसिक रोग बहुत खराब है, आप सिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपको कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बागवत जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। उनकी पूरी सूची है, वो पुस्तक में है। कभी भी भोजन करें तो पेट तो भरे ही, मन भी तृप्त हो, और मन के तृप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है। अब मैंने ये बागवत जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य को मैं मूर्ख मानता हूं। हालांकि मनुष्य अपने को होशियार समझता है, लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशियार ये जीव जगत के प्राणी है। आप चिड़िया को देखो, चिड़िया कितने भी तरह की चिड़िया, सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भरपेट खाती है। 6 बजे के आसपास आप राजस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चिड़िया अपने अपने काम पे लगी हुई है, खाना खाने में खूब जम के खाती है, और पेट भर गया उसके 4 घंटे के बाद ही पानी पीती है, दोपहर को ही पानी पीती। गाय को देखो, सुबह उठते ही सूरज जैसे ही निकलेगा गाय का खाना शुरू हो जाएगा, भैंस का खाना शुरू हो जाएगा, बकरी, बकरे, भेड़, गधा, घोड़ा सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे और पेट भर के खाएंगे, छक के खाएंगे, फिर दोपहर को आराम करेंगे। तो ये सारे जानवर, सारे जीव जंतु, आप सांप को देखो, बिच्छू को देखो, कीड़ी को देखो, चींटी को देखो, चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जंतु जो हमारी आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सबका भोजन करने का समय सवेरे सूर्योदय का ही है। सूर्योदय के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। आप सभी लोगों ने अपना बेसकीमती समय निकालकर भाई श्री राजू दीक्षित जी का यह अद्भुत व्याख्यान सुना, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आज के इस समय में केवल इन व्याख्यानों को देखना एवं सुनना ही काफ़ी नहीं है। इन दुर्लभ व्याख्यानों को आप अपने चित परिचित एवं दोस्तों तक शेयर करें, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीज़ों का महत्व समझे एवं इनका लाभ उठा सके। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।